हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बर्नौली परीक्षण यानी बर्नौली ट्रायल्स के बारे में देख लिया था और आज की क्लास में हम लोग द्विपद बंटन यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो द्विपद बंटन में जो परीक्षण किए जाते हैं वो आपका बर्नौली परीक्षण ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको बर्नौली परीक्षण अच्छे से समझ में आ गया है तभी आपको द्विपद बंटन समझ में आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, द्विपद बंटन। द्विपद बंटन नाम से ही पता चल रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें द्विपद यानी कि दो ही पद होंगे। तो हम लोग बर्नौली परीक्षण में देख रहे थे दो ही पद, एक घटना का सफलता प्राप्त होना है, घटना का घटित होना, और एक सफलता प्राप्त नहीं होना। तो यहाँ पे भी वही चीज हम लोग देखने वाले हैं, द्विपद बंटन यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चलिए, तो द्विपद बंटन में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परीक्षण होता है एक्चुअल में वो आपका बर्नौली परीक्षण ही होता है। तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कि हम लोग सब कुछ बर्नौली परीक्षण के ही बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन इसका तैयार कर देंगे, एक हम लोग चार्ट तैयार कर देंगे और वही चार्ट जो बनेगा उसी को हम लोग प्रायिकता बंटन या द्विपद बंटन कहेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना जैसा कि बर्नौली परीक्षण में हमने देखा था, P ले लेते हैं घटना E के घटित होने की प्रायिकता। एक परीक्षण में घटना E के होने की प्रायिकता है आपका P। अच्छा, हम लोग Q क्या लेंगे, तो जो कि 1 माइनस पी के इक्वल होगा, या क्या ले लेते हैं, तो एक परीक्षण में घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। वो हमने क्या ले लिया है, क्यू ले लिया है। बर्नौली परीक्षण में भी हमने यही लिया था। अच्छा, इसका मतलब यहां पर घटना ई के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग एक होगा, ये तो आपको पता है ना, यानी कि P प्लस क्यू इक्वल टू में 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां पर यह मान लेते हैं कि घटना E जो घटित हो रहा है वो आपकी सफलता है। माना घटना E का होना, घटना E का होना एक सफलता है। तो जब परीक्षण किया जाएगा तो हो सकता है कि हमें सफलता हो यानी घटना ई घटित हो जाए, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि घटना ई घटित नहीं हो यानी कि असफल रहे। तो दो ही चीज होगा, सफलता या फिर असफलता। तो हमने बर्नौली परीक्षण में देखा था, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक्स 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 जो है आपका यादृच्छिक चर हमने लिया है, एन परीक्षणों में सफलता की संख्या को सूचित करता है, यानी कितनी बार सफलता हुई, यानी कहने का मतलब कि घटना ई कितनी बार घटित हुई है उसको सूचित कर रहा है। तो एन परीक्षणों में तथ्यतः आर सफलता की प्रायिकता कैसे डिनोट कर रहे थे बर्नौली परीक्षण में, आप लिखते थे प्रायिकता x इक्वल टू r पर, या फिर पी आर भी लिखते थे, या किसके बराबर होता था, तो एन सी आर पी का पावर r इंटू में क्यू का पावर n माइनस r, ये ना हम लोग लिख रहे थे। अच्छा, अब इसी यादृच्छिक चर x को लेकर, यानी कहने का मतलब r बार जो सफलता हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर हो सकता है कि सफलता एक बार भी नहीं हो, एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ऐसे करके हम लोग n बार, r का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है, क्योंकि n बार परीक्षण किया गया है। हो सकता है कि हमने पहला परीक्षण किया सफलता नहीं प्राप्त हुई, दूसरा भी किया नहीं हुआ, किसी बार भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी कि x का मान 0 हो जाएगा, फिर x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n तक हो सकता है, क्योंकि n बार परीक्षण ही, हो सकता है कि सभी बार हमें सफलता मिल जाए, यानी x का मान, तो हम लोग x का मान यहाँ क्या लिख सकते हैं,
जीरो एक दो तीन चार कहां तक ये चला जाएगा, एन तक। तो अब अगर हम लोग एक्स बराबर जीरो एक दो तीन चार ऐसे करके लेंगे तो हमें एक यहां पर बंटन तैयार करना होगा ना जी, किसके लिए, यादृच्छ चर के लिए। तो यहां पे लिख सकते हैं यादृच्छिक चर एक्स का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग एक यहां पर चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा ठीक है। हम लोग यहां पर इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होगा ठीक है। चलिए हम लोग x ले लेते हैं और उसमें उनकी संगत देखते हैं। तो x का मान यहां पर हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, चार पांच, मान लो इधर हम लोग r, यहाँ r लेते हैं, फिर इसके बाद इसी में आगे बढ़ा देते हैं, बोला डॉटेड भी तो दिखाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो r के बाद यहाँ पर कहां तक चले जा सकते हैं, n तक जा सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर जीरो का मतलब क्या है, x बराबर जीरो, यानी कहने का मतलब है कि एक भी बार सफलता नहीं प्राप्त हो, तो इसकी प्रायिकता यहां से कैसे लेंगे, तो इसी के हिसाब से इसमें रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, एक भी बार सफलता नहीं हो तो एन सी जीरो हो जाएगा, तो एन सी जीरो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं नीचे लिख के पहले दिखा देता हूं, एन सी जीरो पी का पावर जीरो और क्यू का पावर एन माइनस जीरो। तो इस सबको सॉल्व करोगे तो क्यू का पावर एन ही ना बचेगा, यहाँ पे क्यू का पावर एन हो जाएगा, जब x बराबर आप जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा, उसी में हम लोग रखने से प्राप्त हो जाएगा है ना जी। अगर मान लो x इक्वल टू में वन लेते हैं है ना, यानी r का वैल्यू वन हो जाएगा, r का वैल्यू वन, तो एन सी वन पी का पावर वन और q का पावर n माइनस वन, ये ना हो जाएगा जी। तो इसको सॉल्व करो, एन सी वन जो है ना, एन सी वन को एन सी वन लिखो, चाहे इसे आप n भी लिख सकते हैं, और यहाँ p और यहाँ q का पावर n माइनस वन, तो हो जाएगा यहाँ पर एन सी वन पी इंटू क्यू का पावर एन माइनस वन। चलिए अब फाइनली इसमें टू रखेंगे तो हो जाएगा एन सी टू पी का स्क्वायर क्यू का पावर एन माइनस टू। थ्री रखेंगे तो हो जाएगा एन सी थ्री पी का क्यूब और क्यू का पावर एन माइनस थ्री। ऐसे ही ये चलेंगे, आर रखेंगे तो एन सी आर पी का पावर आर और इंटू में क्यू का पावर एन माइनस आर। ऐसे ही आगे चल के एन रखेंगे तो एन रखेंगे तो देखो एन सी एन, तो एन सी एन का वैल्यू वन हो जाएगा, आप यहाँ पे रख के देख लो एन सी एन पी का पावर एन और क्यू का पावर एन माइनस एन, तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, यही ना बचेगा पी का पावर एन। तो अब देखिए ये हमारे परिणाम इस तरह से आ गए। अच्छा ये ध्यान रखें कि ये, अच्छा ये तो प्रायिकता बंटन है और इसमें इन सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है, आपको पता है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। सिग्मा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिग्मा यहाँ पे हम लोग पी एक्स, इन सभी प्रायिकताओं के योग की बात करते हैं, x का वैल्यू आपका जीरो से लेके n तक है, तो यानी कि q का पावर n, एन सी वन पी का p इंटू क्यू का पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू पी का स्क्वायर इंटू क्यू का पावर n माइनस टू, ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, p का पावर n तक है। तो एक्चुअल में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं यह आपके किसका है, तो ये आपका q प्लस पी का पावर n का दिख रहा है। q प्लस पी प्रायिकता किसकी है, तो घटना घटना e के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो इसका मान 1 होगा और 1 का पावर n है तो 1 ही हो जाएगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो कि जो प्रयोग हो ये यहाँ पे यादृच्छिक चर वाला ये जो प्रायिकता बंटन आप देख रहे हैं इसमें सभी परिणामों के प्रायिकता का योग 1 होगा। तो हम लोग याद रखने के लिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ऐसे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे के चैप्टर्स, पीछे के एक्सरसाइजेज में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्विपद बंटन, द्विपद बंटन, बस यहाँ द्विपद बंटन है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, द्विपद बंटन में प्रायिकताओं 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 का योगफल योगफल 1 होता है। अच्छा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका एक बर्नौली परीक्षण ही इसमें देखा जा रहा है, तो बर्नौली परीक्षण दिख रहा जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रायिकता आप प्रायिकता बंटन यहाँ पे जो तैयार किए हुए हैं
या फिर जो द्विपद बंटन आप देख रहे हैं, इस द्विपद बंटन में वही बर्नौली परीक्षण वाले ही चारों शर्तें लागू होंगी। यानी कह सकते हैं कि परीक्षणों की संख्या निश्चित हो, परीक्षण स्वतंत्र हो, प्रत्येक परीक्षण में तत्वतः दो परिणाम सफलता या असफलता हो, और प्रत्येक परीक्षण में सफलता हो या असफलता होने की प्रायिकता समान हो, यानी कि बदले नहीं कभी भी प्रत्येक परीक्षण में। ठीक है, जो जो हम लोग बर्नौली परीक्षण में देखे थे वही द्विपद बंटन में भी नियम लागू होंगे, क्योंकि द्विपद बंटन में जो परीक्षण हो रहा है एक्चुअल में वह आपका बर्नौली परीक्षण ही है, तो इसलिए इसमें भी वही शर्तें लागू होती हैं। हम लोग इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आप बर्नौली यहाँ पे आप ये जो परीक्षण देख रहे हैं, द्विपद बंटन देख रहे हैं, इस द्विपद बंटन में जो परीक्षण हो रहा है इसमें आपका पी और एन अगर ज्ञात हो तो आप सब चीज ज्ञात कर सकते हैं। पी और एन यानी कि कितना बार परीक्षण किया गया है वो उसकी संख्या, और यहां पर पी प्रत्येक जो सफलता की प्रायिकता दी हुई है वह, प्रत्येक परीक्षण में जो सफलता की प्रायिकता दी हुई है वह, ये दो चीजें ज्ञात होंगी तो हम टोटल आपका एक प्रायिकता बंटन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो आप N देख रहे हैं तथा P जो देख रहे हैं इसको हम लोग प्राचल कहेंगे, परीक्षण का प्राचल कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी साथ साथ आप ये भी याद रखना है कि बर्नौली परीक्षण में अगर N परीक्षण में से R बार सफलता हो रही है तो उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बी एन आर, बी फॉर बर्नौली और N में से R बार सफलता हो रही है उसके लिए, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं करें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।